गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश में टीकाराम जूली का काम भी मजबूती से कर रहे हैं। वो लगातार बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर राज्य की सरकार पर डोटासरा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है बल्कि दिल्ली की पर्ची सरकार है। ये सरकार दिल्ली की पर्ची के अनुसार काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनका कोई विजन नहीं है, न ही इनकी कोई 100 दिन की कार्य योजना है और विभागों में काम न होने से जनता परेशान है। सभी तरह के विकास कार्य को रोक दिया गया है। पंचायत हो या नगर पालिका, कहीं भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वर्तमान में सीएम केवल भ्रमण कर रहे हैं। डोटासरा ने फिर बताया पर्ची सरकार। 10 सालों में प्रदेश में 33 पेपर लीक। प्रदेश सरकार के पास नहीं है कोई भी विजन। बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही। डोटासरा ने कहा कि हमने पेपर लीक के दोषियों के हाथ पैर नहीं पकड़ रखे हैं, पकड़कर उन्हें जेल में डालो किसने मना किया है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब इनके हाथ में है। पिछले 10 सालों में 33 पेपर लीक हुए हैं जिसमें 20 भाजपा सरकार के समय और 13 कांग्रेस के समय हुए हैं। ऐसे में 12 में चालान पेश हो चुके हैं। एक हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में चालान पेश होना बाकी है। अब देख लीजिए किसको सजा देनी चाहिए और किसको नहीं। उन्होंने कहा सजा देने का काम कोर्ट का है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। मोदी जी की एक गारंटी तो श्री कर्णपुर में फेल हो गई जब वहां चुनाव हारे, बाकी कई लोकसभा चुनाव फेल हो जाएगी। राम इनके नहीं, हम सबके हैं। कण कण में राम है, गली गली में राम मंदिर है, घर घर में राम है। इनके आदर्शों पर हम सब चलते आए हैं। भाजपा उनके नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकती है। आपको बता दें डोटासरा लगातार प्रदेश सरकार को विधानसभा में घेर रहे हैं। हाल ही में वसुंधरा और मंत्रिमंडल को लेकर भी डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की क्या कदर इन लोगों ने कर रखी है और मंत्रिमंडल से भी कोई खुश नहीं है। ऐसे में डोटासरा के जवाब पर बीजेपी भी मौन साधे बैठी है। काउंटर करने के लिए कोई मजबूत नेता अभी तक नहीं देखा जा रहा है।